वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहानी है माफिया राज की। इस कहानी में है कालीन भैया, इनका राज चलता है। ये माफिया है ड्रग और गन के। इनके एक बेटे हैं मुन्ना। मुन्ना की दबंगई चलती है चारों तरफ। यहाँ के कॉलेजेस से लेकर मोहल्ले मोहल्ले में इनकी दादागिरी चलती है। इसी बीच ये घुसते हैं एक बारात में। दूल्हा घोड़े पर चढ़ा हुआ है, लोग नाच गा रहे हैं। उस बारात में घुसकर ये अपनी दबंगई के नशे में चूर ये दूल्हे को गन से मार देते हैं। कई गोलियां चलाते हैं और दूल्हा मर जाता है। इन सब में कहानी और आगे बढ़ती है। दूल्हे के फैमिली वाले जाते हैं एक वकील के पास। ये वकील काफ़ी ईमानदार हैं। इनका नाम है पंडित। पंडित की फैमिली में है इनकी वाइफ और इनके तीन बच्चे गुड्डू, बबलू और डिम्पी। और ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। डिम्पी की क्लोज फ्रेंड है स्वीटी, जो गुड्डू को पसंद करती है। इस तरह इस कहानी में दो परिवारों, कालीन भैया की और पंडित के परिवार में टकराव होता है। जब मुन्ना को पता चला कि मरे हुए दूल्हे के परिवार वाले अपना केस लेकर वकील पंडित के पास पहुंचे हैं, तब मुन्ना पंडित के घर आता है और धमकाता है इस मामले से दूर रहने के लिए। पर पंडित जी भला अपने उसूलों से पीछे क्यों हटे? वो कहते हैं, मैं हर हाल में ये केस लड़ूंगा। गुस्से में मुन्ना आप पंडित के ऊपर गन तान देता है। इस पर वहाँ बैठा गुड्डू उठ खड़ा होकर मुन्ना को मारना शुरू करता है। इस हाथापाई में मुन्ना को काफ़ी चोटें आई हैं, वो गुड्डू से पिट गया है। इस समय मुन्ना अपने आप को बेइज्जत महसूस करता हुआ पहुँचा है अपने घर, और इन सारी घटनाओं का जिक्र उसने अपने पिता कालीन भैया से किया है। कालीन भैया बड़ा ही शातिर दिमाग रखते हैं। उनके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा है। उन्होंने गुड्डू और मुन्ना को अपने घर बुलाया है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इन दोनों को मारने के लिए बुलाया है, पर ऐसा नहीं है। कालीन भैया ने दूर की सोची है और गुड्डू और बबलू को अपने यहाँ नौकरी पर रखने का ऑफर किया है। उन्होंने कुछ समय भी दिया है इन दोनों को सोचने का। कालीन भैया की ज़िंदगी के भी कुछ पन्ने हैं। उन पन्नों में एक पन्ना है इनकी दूसरी शादी, जो हुई थी बीना से। बीना कालीन भैया से जो प्यार हासिल करती है वो उससे संतुष्ट नहीं है। इस समय गुड्डू और बबलू दोनों इस उधेड़ बुन में लगे हैं कि कालीन भैया का ऑफर कबूल किया जाए या नहीं। गुड्डू बड़ा मोटे दिमाग का है, वो कोई भी फैसला सोच समझकर नहीं लेता, जबकि बबलू हर मसले पर समझदारी से काम लेता है। वो नहीं चाहता कि ये दोनों कालीन भैया के इन कामों में पड़ें। न जाने कल को हमारे साथ क्या हो, पता नहीं हम किस मुसीबत में फंस जाएं। तो दूसरी तरफ गुड्डू तो शुरू से ही इन्हीं सब के ख्वाब देखता था, उसे भला ये एक सुअवसर क्यों ना लगे। फाइनली गुड्डू की बात ही ऊपर रही, बबलू को भी कन्विंस होना पड़ा और दोनों ने कालीन भैया के ऑफर को कबूल कर लिया। खुश होकर कालीन भैया ने इन्हें एक ब्रांडेड बाइक दी है और पहला असाइनमेंट सौंप दिया है और कहा है, जाओ अपने पिता पंडित को इस दूल्हे वाले केस को लेने से रोको। मुन्ना इस समय कालीन भैया पर गुस्सा है कि उन्होंने इन दोनों को मारा क्यों नहीं, उल्टा दोनों को अपने यहाँ काम पर रख लिया। पर कालीन भैया पर मुन्ना के इन बातों का कोई प्रभाव नहीं, वो तो दूर की सोच चुके हैं। इधर स्वीटी की भी एक बहन है गोलू, और इन दोनों के पिता इस एरिया में पुलिस ऑफिसर हैं, पर वो करप्ट हैं और कालीन भैया के इशारों पर काम करते हैं। मुन्ना स्वीटी की खूबसूरती से प्रभावित है, वो उसे पाना भी चाहता है, पर उसकी प्रॉब्लम यह है कि स्वीटी उसे छोड़कर गुड्डू पर जान छिड़कती है। ये बात मुन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं, भला कोई लड़की उसे मना कैसे कर सकती है। इधर गुड्डू और बबलू दोनों पहुंचे हैं अपने पिता पंडित के पास और उन्हें इस दूल्हे वाले केस को ना लेने को कहा है। पंडित जी काफ़ी गुस्सा हुए इन दोनों पर और कहा, तुम दोनों जब यहाँ से कालीन भैया से मिलने गए थे तब मेरे बेटे बनकर गए थे, और कालीन भैया के जाल में फंसकर तुम दोनों उनके गुंडे बनकर आए हो। चाहे जो कर लो, ये केस मैं ज़रूर लड़ूंगा और सच्चाई को सबके सामने ला कर रहूँगा। अब गुड्डू और बबलू अपने पहले ही मिशन में नाकाम होते दिख रहे हैं, पर इन्होंने भी अलग दिमाग लगाया है। ये पहुँचे हैं उस दूल्हे के परिवार वालों के पास, क्यों ना हम इस परिवार को ही डरा धमका कर ये केस वापस लेने से रोक लें, और इस तरह ये मामला यहीं दब जाएगा। जब कंप्लेन ही नहीं होगी तो पंडित जी केस कैसे लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कालीन भैया की सत्ता को ललकारने वाला कोई नहीं है। एक शख्स ऐसा भी है जो इनकी सत्ता को ख़त्म करके स्वयं की सत्ता बनाना चाहता है, और वो है रतिशंकर। रतिशंकर ने टारगेट किया है मुन्ना को मारने का। उसने अपना बाशिंदा भेजा है उसे मारने के लिए,
पर ये चाल उल्टी पड़ गई और उल्टे मुन्ना ने ही उस बाशिंदे को मार दिया और यहाँ से बच निकला। रतिशंकर और कालीन भैया की दुश्मनी आज की नहीं है, ये कई जनरेशन से चली आ रही है। कालीन भैया की पत्नी बीना, जो कालीन भैया से मिल रहे प्यार से संतुष्ट नहीं है, उसने अपना शारीरिक सुख घर के नौकर राजू में ढूंढना शुरू कर दिया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलते हैं कहानी पर। अब धीरे धीरे गुड्डू और बबलू ने कालीन भैया का काम संभालना शुरू कर दिया है। अब इनका बिजनेस और भी जोरों से चलने लगा है, हथियारों की सप्लाई और भी तेजी से होने लगी है, चारों तरफ वायलेंस बढ़ गया है, आए दिन हत्याएं होने लगी हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर भेजना पड़ा है, इस उम्मीद में कि वो इस एरिया में शांति का माहौल बहाल कर सके। पर क्या वो ऐसा कर पाएगा, ये हमें कहानी के एंड तक पता चल जाएगा। इधर गुड्डू और बबलू जौनपुर पहुंचे हैं एक पार्टी से मिलने, जो कि इनसे गन खरीदेगी। पर यहाँ आकर पता चला कि ये कोई पार्टी नहीं है, बल्कि ये तो शुक्ला है, जो कालीन भैया के दुश्मनों में से एक है। उसे लालच है गुड्डू और बबलू का, वो चाहता है कि ये दोनों उसकी तरफ हो जाएं, और जिस तरह इन दोनों ने अपने शातिर दिमाग और काबिलियत से कालीन भैया का बिजनेस इतना ऊपर पहुँचाया है, ठीक वैसे ही वो शुक्ला के काम में तरक्की दिलाएं। पर गुड्डू और बबलू वफादार निकले, उल्टा इन दोनों ने शुक्ला को ही मार दिया। इन दोनों को लगा कि कालीन भैया इस बात पर इन दोनों की पीठ थपथपाएंगे, पर हुआ इसके ठीक उलट। कालीन भैया बहुत तेज गुस्सा हुए इन दोनों पर और कहा, मुझसे पूछे बिना तुमने इन दोनों को कैसे मार दिया, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी। गुड्डू और स्वीटी का प्यार अपनी मंजिल तक पहुंच गया है और इन दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। मुन्ना वैसे ही गुड्डू से चिढ़ा बैठा था, अब तो वो हर हाल में अपनी प्यार में हार का बदला लेगा। वो इस साजिश में लगा है कि किस तरह वो अपनी हार का बदला गुड्डू से ले। मुन्ना के कहने पर उसका दोस्त कंपाउंडर कालीन भैया को मारने की कोशिश करता है, पर नाकाम हो गया और वो पकड़ा गया। पर कंपाउंडर ने मुन्ना के प्रति अपनी वफादारी दिखाई और अपना मुंह नहीं खोला। मुन्ना ने इस मौके को हाथों हाथ बनाया और पहुंचा अपने पिता कालीन भैया के पास। उन्हें यह भरोसा दिलाया कि कंपाउंडर को भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि गुड्डू ही है, वो आपको मारकर इस सत्ता को हथियाना चाहता है। इस कहानी में पहली बार कालीन भैया मुन्ना की बातों में आ गए हैं और उन्होंने मान लिया है कि गुड्डू वाकई में उन्हें मारना चाहता है। बस फिर क्या था, उन्होंने मुन्ना को गन देकर उसे यह लाइसेंस दे दिया कि तुम जाओ और गुड्डू को ख़त्म कर दो। कहानी अब क्लाइमेक्स में पहुंच गई है। गोलू अपने कॉलेज के इलेक्शन में खड़ी हुई है और वह इलेक्शन जीत गई है। इस खुशी में पूरी फैमिली डिम्पी के फ्रेंड की शादी में पहुंची है। स्वीटी इस समय प्रेग्नेंट है। सभी इस शादी को इंजॉय करने में लगे हैं, सभी खुश हैं क्योंकि एक नया मेहमान आने वाला है इनके घर में। पर उसके पहले ही एक बिन बुलाया मेहमान अपने आदमियों के साथ इस शादी में आ घुसा, और वो है मुन्ना। आते ही कई गोलियां चली उसकी ओर से। अब तो उसे वैसे ही कालीन भैया का लाइसेंस मिल चुका है। उसने सबसे पहले तो स्वीटी को मारा, फिर बबलू को। गुड्डू और गोलू भी बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हैं। बहुत जल्द मुन्ना इन्हें भी मौत के घाट उतारने वाला है कि तभी यहाँ भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में गोलू, गुड्डू और डिम्पी किसी तरह बचकर भाग निकले हैं। इधर कालीन भैया ने भी अपनी दबंगई दिखाई है और जिस पुलिस ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा था क्राइम कंट्रोल करने के लिए, उसे ही मार दिया। अब तक की कहानी में क्राइम सर चढ़कर बोल रहा है, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाया है। पर अभी इस कहानी का अंत होना बाकी है। मिर्ज़ापुर सीजन 2 में हमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। गुड्डू किस तरह तख्ता पलट करेगा और किस तरह मुन्ना और कालीन भैया से अपने भाई बबलू और पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी उसकी मौत का बदला लेगा, ये देखने को मिलेगा। हम सीजन 2 की पूरी कहानी 23 अक्टूबर की शाम तक पब्लिश कर देंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी अगर आप सुनना चाहें तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।